जो आदर सहित इस रामायण का पाठ सुनते हैं वो भव समुद्र से पार हो जाते हैं। वहां वाल्मीकि ऋषि भी यही बात कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिना अपने श्रवणों को अपने कानों को समुद्र के समान बना लिया है और तुम्हारी कथा रूपी सरिताएं जिन श्रवण रूपी समुद्रों में निरंतर गिरती रहती हैं और हृदय में जाकर के शीतलता प्रदान करती हैं, आपके चरित्र के माध्यम से उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, भक्ति से भरपूर हो जाता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। अर्थात श्रवण भक्ति का इतना महत्व बताया गया है क्योंकि व्यक्ति को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए वेद के ऋषि जो हैं वो श्रवण को श्रुति को सबसे महान स्थान देते हैं। परम आराध्य गुरुदेव पधार चुके हैं, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। प्रिय बंधुओं, परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए हम परम आराध्य गुरुदेव के विचारों को श्रवण करने के लिए यहाँ सब बैठे हैं। इससे पूर्व हमने जो सुंदर कांड का पाठ किया परम आराध्य गुरुदेव के निर्देशानुसार, उसमें आपने भाग लिया और अब हम अपने आज की इस सभा का प्रारंभ कर रहे हैं। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में पुनः बार बार प्रणाम करती हूँ और प्रिय भाई विजय कपूरिया जी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे मंच की व्यवस्था को संभालें और कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रिय भाई विजय कपूरिया जी, परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते और मंच पर विराजमान संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद अब मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारी पंचकूला शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद जन्म ऋषि मिशन के बहुत देर तक अध्यक्ष रहे हैं श्री नैयर जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मंच पर आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री नैयर जी, श्री प्रदीप नैयर जी, जो इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन के अब एक्स प्रेसिडेंट भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर आचार्य श्री का अभिनंदन करेंगे। हमारी शाखा के अधिकारी श्री श्यामलाल मेहरा जी, वो भी आएंगे और परम आराध्य गुरुदेव का फूल मालाएं पहना करके अभिनंदन करेंगे। अश्विनी जी यहाँ पर भी हो, जरा शीघ्र ही शीघ्र आए।
समय को ध्यान में रखते हुए इसके बाद मैं परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दे। परम पूज्य गुरुदेव जी ओम यो श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंद आत्मा यत् परब्रह्म भूर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर धुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत ततो जय मुदीरेत। ओम प्रणम्य शिरसा देवं भारतीं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। शास्त्र का कथन है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं। दुनिया में जितने प्रकार के दुख हैं उन संपूर्ण दुखों का मूल आधार है परतंत्रता। और दुनिया में जहाँ कहीं सुख है, जितनी मात्रा में है, उसका मूल आधार है स्वतंत्रता। परतंत्रता में दुख है, स्वतंत्रता में सुख है। इस परम सत्य की घोषणा भगवान मनु ने की है। स्वतंत्रता और परतंत्रता का अर्थ क्या है? स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा, वह चिदांश जिसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं, प्रत्यक चैतन्य, जिसके विषय में कल मैंने निवेदन किया था कि वह सर्वव्यापी सच्चिदानंद की ज्योति जो आपकी चित्त में प्रकाशित हो रही है, जहां से इंडिविजुएशन का व्यष्टि भाव का जन्म हो रहा है, उसी को स्व कहते हैं। और जिसमें प्रकाशित हो रही है वह बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहम,
अहम की गति का नाम मन, मन के यंत्र रूप में इंद्रियां, इंद्रियों के आश्रय शरीर, और इंद्रियों का विषय ये संसार का भोग, इन सब के लिए पर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब पर है, और वह चैतन्य घन का जो यथार्थ स्वरूप है वह स्व। तो जब तलक वह चिदांश, वह चेतन इन परतंत्र में यानी प्रकृति तंत्र में आबद्ध रहता है, आसक्त रहता है, तब तक उसे दुख के सिवा और कुछ इससे नहीं आता। और जब वह इस परतंत्र से स्वतंत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो अक्षय सुख का भाजन बन जाता है। इसी को सर्वम परवशम दुखम ऐसा कहा, और सर्वम आत्मवशम सुखम उसी को आत्मवश कहा। जिसको आत्मवश कहा है ना, उसी को स्वबश कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, और उसी में सुख बताया गया है। अब आप लोग स्वयं अंतर्मुखी होकर के देखें कि आप आत्मबस हैं या परबस हैं। आप प्रकृति के बस में हैं या अपनी आत्मा के अधीन हैं? का कैसे समझें, उसका लक्षण क्या है कि हम प्रकृति के बस में हैं या आत्मा के अधीन हैं? इसके लिए लक्षण बताया शास्त्रकारों ने कि जब आपका सुख, आपकी तृप्ति की रति, आपकी तुष्टि अपने आप में हो, तब तो आप समझ ले कि आप आत्मवश हैं। और जब तक आपका सुख, आपकी तृप्ति, आपकी रति, आपकी तुष्टि पद और पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक आप यह समझें कि आप परतंत्र। देश काल परिस्थिति के अधीन यदि आपका सुख है, पद और पदार्थ से संबंधित यदि आपका सुख है, तब आप परतंत्र हैं। और जब अपने आप में, आत्म स्वरूप में आपको आनंद मिल रहा है, तब आप स्वतंत्र माने आत्मबस है। यही इसका लक्षण है। आपके लिए कर्तव्य, ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, ये जो शब्द जुड़े हुए ना, ये कब तलक आपके लिए है? जब तलक आप आत्मबस नहीं हुए, जब तक आप स्वतंत्र नहीं हुए। और जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे तब क्या होगा? तब आपके लिए न तो कुछ ज्ञातव्य रहेगा, न प्राप्तव्य रहेगा, न तो कर्तव्य रहेगा। ये कर्तव्य जो है ये प्राप्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्राप्तव्य जानते हो किसे कहते हैं? हमें ये पाना है। तो जब तक ये है कि हमें ये पाना है, तब तक आपको उस पाने के लिए ये करना भी होगा, क्योंकि बिना किए पाना असंभव है।
तो प्राप्तव्य के साथ कर्तव्य जुड़ता है और ज्ञातव्य के साथ प्राप्तव्य जुड़ता है। यदि आपको बोध ही नहीं हो तो ये पाना है। पशु को केवल इतना बोध है कि उसे भूख लगने पर घास पाना है, इतना ही बोध है उसे। और कभी साल में जब उसका सीजन आया तो सीजन के अनुसार उसके सेक्स की प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति के अनुसार उसे भोग पाना है, मादा पाना है बस। हमेशा उसके लिए वो प्राप्तव्य नहीं होता। आप मनुष्य हैं क्योंकि आपको परमात्मा ने पूरी छूट दे रखी है, इसलिए आपके प्राप्तव्य की कोई सीमा नहीं है। और जब तक ये प्राप्तव्य है तब तक कर्तव्य का बोझ आपके ऊपर रहेगा ही। और प्राप्तव्य के लिए जिम्मेदार है आपका वह ज्ञातव्य, जाना हुआ, जिसके विषय में आप जानते हो उसी को पाने की चाह रखते हो ना। जिसके विषय में जाना ही नहीं उसके विषय में क्या पाने की चाह रखोगे आप। तो आपका प्राप्तव्य जो है वो आपके ज्ञातव्य से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान होना चाहिए, फिर ये पाना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, ये तीन शब्द है। भगवान कहते हैं कि संसार मुखी होकर के जब तक संसार के पदार्थों के साथ तुम्हारा ज्ञातव्य प्राप्तव्य कर्तव्य जुड़ा हुआ है तब तक तुम इस जगत प्रवाह में चलते रहो, कहीं अंत नहीं होगा उसका। हां, जो मननशील हैं, मननशील, उनका ज्ञातव्य प्राप्तव्य और कर्तव्य बदल जाता है, बदल जाता है। उनका ज्ञातव्य, उनका कर्तव्य, प्राप्तव्य और कर्तव्य, ये तीनों बदल जाते हैं उनके, किसके, मननशील के। अब मननशीलता का क्या लक्षण है? जब आप में डिस्क्रिमिनेटिव पावर जागृत हो जाए, व्हेन यू कैन डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट इज नॉन अचीवेबल, क्या पाना चाहिए और क्या नहीं पाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, जब तक आपने अपने प्राप्तव्य का निश्चय नहीं किया तब तक कर्तव्य का निश्चय कैसे होगा। और जो व्यक्ति बिना प्राप्तव्य का निश्चय किए कर्तव्य का निश्चय कर लेता है वो तो पशु की श्रेणी में ही गिना जाएगा, वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। क्या पाना चाहिए इसका बिना निर्णय लिए, क्या करना चाहिए का निर्णय नहीं हो सकता, याद रखो। अब मननशील जो व्यक्ति है, जिसके पास प्रज्ञा है, सात्विक बुद्धि है, वो जानता है, वो एनालिसिस करता है कि क्या संसार के पदार्थों की प्राप्ति से हमें नित्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो सोचता है नहीं, क्योंकि जिनके जिनके पास वो पदार्थ हैं क्या वो सुखी हो गए, नहीं हुए। ईषणा तीन प्रकार की होती है, सुतबित लोक ईषणा तीनी, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोक ईषणा। ईषणा माने पाने की चाह, ये तीन पदार्थों की होती है। अब आप इन तीनों पदार्थों से युक्त जो लोग हैं उनकी दुर्गति देख लो,
देखिए दुर्गति बड़े आराम से, हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके एक नहीं सात सात पुत्र हैं और सातों अच्छे पढ़े लिखे अच्छे पदों पर हैं, अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम करते आनंद कर रहे हैं और माता पिता वृद्धावस्था में तड़फ करके मर रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। नौकर यदि पानी दे दे तो उनको पानी मिल जाए, खाना दे दे तो खाना मिल जाए, दवाई लाकर दे दे तो जीते रहे, नहीं तो वो भी देने वाला नहीं। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे, तो पुत्र तो उनके हैं नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन न होने के बराबर। ये तो संतानों की गति देखा, धन की गति, अरे राम राम। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको इतना पता नहीं है कि उनके पास कितना धन है, लेकिन वो इतने दुखी मैंने देखे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उन लोगों को देख करके मैं कभी कभी प्रसन्न होता हूं कि हमारे भारत के जो मजदूर हैं दिन भर मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हैं और खाते हैं और रात में अच्छी नींद लेते हैं, सवेरे फिर काम पर लग जाते हैं, वो ज्यादा सुखी हैं बनस्पत उनके जिनके पास इतना धन है कि वो कल्पना नहीं कर सकते कितना, जिनको गोली खाने के बाद भी अब नींद नहीं आती। मेरे से कहा कि स्वामी जी पहले कंपोज लेकर नींद आ जाती थी, लेकिन अब बॉडी जो है एडिक्टेड हो गई, अब नींद नहीं आती, कंपोज भी असर नहीं करती है। तो वित्त की यह गति देखिए, और लोक इच्छा जिसे कहते हैं हमारी कीर्ति बढ़े, हम ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, ये तो आप दुर्गति देख रहे हो ना, भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे हुए की दुर्गति, रोज अखबारों में पढ़ते हो आप, पढ़ रहे हो ना। अब भला बताइए कि जो कल तक अपने इशारे से सारे भारत को नचाता था और आज वो ऐसा नाच नाच रहा है जिसको देख करके दुनिया वाले धिक्कारते हैं और अपने लोगों को शर्म आ जाती है। इन तीनों इशाओं ने क्या दिया, सुख दिया शांति दी नहीं दी। इसलिए मनुष्य को यह सोचना है कि भाई वो कौन सा ऐसा रास्ता है जहां समय अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, वेयर वी कैन अचीव एंडलेस हैप्पीनेस। याज्ञवल्क्य ने जब अपने दोनों स्त्रियों को मैत्रेयी और कात्यायनी को संपत्ति अपनी दे दी और कहा कि अब मैं परिब्रज्या ग्रहण करूंगा, तो मैत्रेयी ने उससे पूछा कि भगवान ये जो संपत्ति आपने मुझे दी है इससे हमें क्या मिलेगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो एक संपत्तिशाली को सुविधा मिलती है वो सुविधा तुम्हें मिल जाएगी इससे। मैत्रेयी ने प्रश्न कर दिया, क्या इससे मुझे मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाएगा इस संपत्ति से। याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, असंभव, धन तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता, संतान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती, ऊंचे से ऊंचा पद तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। और ये उत्तर सुनने के पश्चात मैत्रेयी ने सारी संपत्ति को लात मारते हुए कहा, एन अहम न अमृता श्याम अहम तेन किम कुर्याम, जो मुझे मृत्यु के भय से नहीं बचा सकते उनको लेकर मैं क्या करूंगी, मैं तो आपके चरणों में केवल मृत्यु से मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए स्वयं को समर्पित किया है।